नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और मैं हूं आपके साथ अंशिका सिंह। रीवा नगर निगम क्षेत्र में निरंतर बढ़ रही आवारा कुत्तों की जनसंख्या से आए दिन रास्ते पर चलने वाले लोग शिकार हो रहे हैं। भूखे भेड़ियों की तरह आवारा कुत्ते लोगों पर हमला करते हैं, जिसके कारण कई लोग मौत की नींद भी सो जाते हैं। रीवा नगर निगम के द्वारा पेश किए गए वार्षिक बजट में कुत्तों की नसबंदी को लेकर भारी भरकम राशि शामिल की गई है, लेकिन आवारा कुत्तों पर कार्रवाई अभी तक शून्य ही रही। हालत यह है कि नगर निगम क्षेत्र के हर गली कूचे में आवारा कुत्तों की भीड़ विचरण कर रही है और वहां से गुजरने वाले लोग इनके शिकार हो रहे हैं। रात होते ही आवारा कुत्ते नगर के मुख्य मार्गों की ओर मुख कर लेते हैं, जिससे आने वाले लोग उनके शिकार हो रहे हैं। इधर कलेक्टर का कहना है कि आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या को रोकने के लिए नसबंदी का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके लिए नगर निगम को निर्देशित किया गया है। वहीं नगर निगम के द्वारा पेश किए गए बजट में भी एक बड़ी राशि कुत्तों की नसबंदी, आवारा मवेशियों को व्यवस्थित करने के नाम पर जारी की गई है। अब रीवा नगर निगम क्षेत्र के हालत यह है कि यदि समय रहते आवारा कुत्तों की जनसंख्या पर अंकुश नहीं लगाया गया तो काफी लोग इनका शिकार हो सकते हैं। नगर निगम सीमा क्षेत्र में इस तरीके की घटनाएं बढ़ रही हैं और इसके लिए जो गाइडलाइन है, जैसे हम लोग एनिमल ABC गाइडलाइन कहते हैं, जिसमें इनकी डॉग्स जो हैं उनकी नसबंदी का काम किया जाता है और इसका मैंडेट नगरीय निकायों के पास में है। नगर निगम रीवा को भी ये निर्देशित किया जाएगा कि इस संबंध में तत्परता से कार्य करें और ऐसे एरियाज को आइडेंटिफाई करें जहाँ पर नसबंदी कुत्तों की नहीं हुई है, उनकी नसबंदी भी हो और साथ में ये अवेयरनेस भी होनी चाहिए, लगातार की जानी चाहिए कि कुत्तों को यदि खाने का सामान उपलब्ध नहीं होता है तो ऐसी दशा में वो बहुत अग्रेसिव हो जाते हैं, तो उसके लिए जागरूकता के संबंध में भी नगर निगम को निर्देशित किया जाएगा।